दोस्तों, मेरा नाम है कलम हरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज का डिफेंस चैनल। इस चैनल पर आप बातें आरएनसी साइंस स्कूल, नवोदय विद्यालय, यूपी साइंस स्कूल, मिलिट्री स्कूल के बारे में इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन। इसी चैनल पर लाइव क्लासेस हमारी चलती है हर दिन 4 से 5 बजे। यदि आप बिल्कुल फ्री में कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारी लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और आप पाएंगे कि लाइव क्लासेस की क्वालिटी है जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑफलाइन क्लासेस हैं, उनसे कम बिल्कुल भी नहीं है। आपको लाइव क्लासेस में टीचर से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। आप यूट्यूब पर कमेंट लिखते हैं, हमारे टीचर उन सवालों को पढ़ते हैं और आपके सवालों के जवाब देते हैं। इसके अलावा हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर कोर्सेज उपलब्ध हैं और बहुत कम दाम में आप ये कोर्सेज अपने घर बैठे कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन बैचेस 1 जुलाई यानी कल से स्टार्ट होने वाले हैं, क्लास 6 के लिए, क्लास 9 के लिए और आरएएमसी के लिए, जो कि दिसंबर और जनवरी में एग्जाम्स होने वाले हैं। तो अगर आपका बच्चा तैयारी कर रहा है और आप ढूंढ रहे हैं ऑनलाइन कोचिंग, तो आप हमसे संपर्क अवश्य करें। संपर्क करने के लिए जो स्क्रीन पर इस पे नीचे एक पट्टी चल रही है उस पर लिखा हुआ है केवल व्हाट्सएप ही करें, तो आप केवल व्हाट्सएप करें। हमें 1 से 2 दिन लगते हैं आप तक पहुंचने में, उतना समय हमें दीजिए। और आप जब हमसे संपर्क करते हैं ऑनलाइन बैच के लिए, हम आपको कॉल कर करके तंग नहीं करते, हम आपको प्रमोशनल ऑफर्स नहीं भेजते, हम आपका डेटा शेयर नहीं करते, हम केवल जो वही जानकारी आपको देते हैं जो आप हमसे लेना चाहते हैं। ऑनलाइन बैच ज्वाइन करने के लिए पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद 7 डेज आप डेमो क्लासेस अटेंड करते हैं, उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि बाकी फीस देनी है कि मुझे अपने बच्चे को हटा लेना है। कई बार लैंग्वेज बैरियर होता है, कई बार कनेक्टिविटी इशू होता है, कई बार बच्चे का अपना जो अटेंशन स्पैन है ऑनलाइन के लिए आपको लगता है एडिक्वेट नहीं है, तो आप उससे वॉकआउट कर सकते हैं, उससे हमारी दोस्ती पे, हमारे रिलेशनशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा जो नंबर दिया हुआ है उस पर साइंस स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएनसी रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप उससे पक्का संपर्क करें। मुझे 1 या 2 दिन का समय लगता है आपके व्हाट्सएप मैसेज का जवाब देने में, लेकिन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हम सभी मैसेजेस का रिस्पॉन्स, उस पर रिस्पॉन्ड हमेशा करते हैं। ये जो वीडियो है इसमें हम सैनिक स्कूल का जो ई काउंसलिंग है उसके बचे हुए राउंड्स के बारे में बात करते हैं। पहले सैनिक स्कूल में क्या होता था, पहले सैनिक स्कूल में केवल आप एक चॉइस भरते थे और उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब मान लीजिए आपने चॉइस भर दी नगरोटा और नगरोटा में कट ऑफ गया 210 आपकी कैटेगरी में, आपके बच्चे क्या आए हैं 209। वहीं एक स्कूल है जहां पर कट ऑफ गया 190, लेकिन आप पुराने वाले मेथड से उस स्कूल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ई काउंसलिंग में क्या है, मेरिटोरियस जितने भी बच्चे हैं उन सबको सैनिक स्कूल में पार्टिसिपेट करने का, उनमें एडमिशन लेने का मौका मिलेगा और ई काउंसलिंग आवश्यक है सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन पाने के। कई राजस्थान में कई स्कूल हैं जिनको डेटा उन्होंने पता नहीं कहां से हासिल कर लिया है, वो पेरेंट्स को बोल रहे हैं आपके बच्चे के 123 नंबर आए, पास हो गया, हमारे पास ले आओ, उसका एडमिशन कराओ फटा। जब तक ई काउंसलिंग में AISS एडमिशन काउंसलिंग जो AC है उसकी वेबसाइट पे आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक कहीं भी किसी और स्कूल में आपने पैसे जमा करके वो फिर फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाता है। आप इन भ्रामक प्रचारों से बचें। हम किसी भी प्रकार से सैनिक स्कूल सोसाइटी से रिलेटेड नहीं है, ऑल इंडिया एडमिशन काउंसलिंग में हमारा कोई रोल नहीं, हम केवल गाइड कर सकते हैं, जो हमारी समर्थ है, जो हमारी समझ है, हम उसके हिसाब से आपको जानकारी देते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बाकी राउंड्स की, क्योंकि कई पेरेंट्स को था कि ई काउंसलिंग इतना लंबा क्यों चल रहा है। वो लंबा इसलिए चल रहा है कि टोटल हमारे पास 7500 सीटें हैं सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल मिला के, और टोटल 1.25 लाख के करीब बच्चे जो हैं पास हुए हैं। वो चाहते हैं फिल्टर करके बेस्ट बच्चे जो हैं सैनिक स्कूल में पहुंच जाए। तो अगर आपके बच्चे के बहुत कम मार्क्स हैं, 124 नंबर है और आप जनरल हैं, डिफेंस से, ओबीसी, कोई भी चांस नहीं है। 190 नंबर है जनरल का, ओबीसी का, डिफेंस का बहुत ही कम चांस है, क्योंकि अभी चौथे राउंड का कटआउट आप देखेंगे वो अभी भी 237-238% इवन SC ST का इतना चल रहा है। तो एम ई काउंसलिंग का क्या है कि हर कैटेगरी में जो सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चे हैं उनको किसी ना किसी स्कूल में एडमिशन दिया जाए। अब शुरू होता है जी, कल यानी कि 1 जुलाई को 4th राउंड जो है ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जिसने एडमिशन ले लिया, डॉक्यूमेंटेशन चेक करा लिया, बच्चे के कागज जमा कर दिए, फीस जमा कर दिया, कल उनके लिए आखिरी डेट। इसके बीच में एक और घटना घटी है जिसे दुर्घटना नहीं है, घटना ही कहेंगे, कि 24 जून से सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का अगला सत्र स्टार्ट हो गया है। तो और नहीं हुआ तो अगले 1-2 दिन में ये बच्चे पहुंच गया वापस, और अब इन बच्चों के साथ जो घटना होगी उसमें क्या होगा, सैनिक स्कूल एक रोड रोलर है, मेरे को रोड रोलर बनाने आता था, ऐसे बनाते हैं ऐसे, और ये आपका बच्चा इतना छोटा सा, ये रोड रोलर इसके ऊपर से गुजरने वाला है। बहुत लोग मेरी तरह जो गैंडे हैं वो टिक जाएंगे
और जो बेचारे नरम खाल वाले हैं वो भाग जाएंगे। तो 6 to 7, 10 भी हो सकते हैं, जितने अभी तक गए उसमें जो मिट्टी के शेर हैं वो छोड़ देंगे। तो वो 5th round में तो वैकेंसी आएगी नहीं, लेकिन मुझे लगता है 6th और 7th round में ये जो वैकेंसी क्रिएट होगी वहां पर एक थोड़ा सा आपको अप मिलेगा, क्योंकि कई बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन भी कर लिया लेकिन वो अभी रिपोर्ट ही नहीं करेंगे, फीस भी जमा कर दी है लेकिन उनके घर में हाय तौबा मच गई है, माता जी को सारा प्रेम उबड़ा है, दादी को अपने बच्चे पोते की याद आ रही है और मत भेजो मेरे बच्चे को, ऐसे शेर घूम रहे हैं हमारे देश में। तो ये जो रोड रोलर मैंने बनाया ये बच्चे के ऊपर से जाना। तो यहां पर जिनके बच्चे अभी बहुत लालायित है जाने के लिए उनके लिए अच्छी खबर है, पक्का जाओ जी। अगला जो है 5th round है, 4 जुलाई से शुरू होगा और ये चलेगा 22 जुलाई तक। लेकिन मैंने जैसे कहा है एडिशनल वैकेंसीज के लिए आपको 6th round की वेट करना है जो कि 25 जुलाई को शुरू होकर 12 अगस्त को खत्म होने वाला है। अब चिंताएं क्या है माता पिता की, वो कह रहे हैं हम ई काउंसलिंग की वेट करते रहे, मेरे बच्चे के 234 नंबर हैं, नंबर खराब नहीं है, ये 6th class की बात करो, 9th के लिए तो बहुत ही कम है। तो 234 में अभी तक इनके कैटेगरी में किसी स्कूल का जो लास्ट है वो 245 गैप है। मुझे वेट करना है कि नहीं करना है, मैं कह रहा हूं मैडम आप इस बच्चे का एडमिशन करवा दें, जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हो उसको पढ़ने दें और इसकी वेट करते हैं। बहुत सारा एफर्ट लगता है बच्चे के सिलेक्शन में, और आप TC ले लेंगे और बच्चा वहां मेडिकल में फेल हो गया फिर गड़बड़, फिर दोबारा एडमिशन फीस देते रहे। तो अभी उसकी स्कूलिंग मान लीजिए आपके स्कूल वाले बड़े ही क्रूएल हैं, 15 से लेकर 25 हज़ार उन्होंने पहली क्वार्टर की फीस ले ली है, ये पहले क्वार्टर की फीस वापस नहीं देंगे वो, ये रिस्क है, ये रिस्क आपको लेना पड़ेगा। मोबाइल फोन खरीदते हैं आप, अगले दिन खराब निकल गया, वो कहेगा जी अब तो हमने भेज दिया, अब जाओ सर्विस सेंटर चल जाओ, सर्विस सेंटर 70 किलोमीटर दूर होता है शहर से, वहां जाके आपको ऐसे ट्रीट करते हैं आप पता नहीं कोई क्राइम कर गया, तो ये भी स्कूल वापस नहीं करेगा, भाई बिजनेसमैन है वो क्यों क्यों वापस करेगा। तो ये रिस्क आपको लेना पड़ेगा। लेकिन 6th round में कुछ जो बॉर्डर लाइन वाले केसेस थे उनको अपग्रेड मिलने वाला है, और ये दौड़ने की प्रक्रिया पहले 3 महीने चलती रहती है, और लास्ट में आप देख रहा फाइनल ई काउंसलिंग समाप्त होने वाला है 23 सितंबर को जाकर, वो सरकार ने इसलिए कहा ये 23 सितंबर का शुरू हो रहा है 5 सितंबर को टीचर्स डे वाले दिन। 7 round तो ऐसे चलेंगे, आप 10 choice भरेंगे, न्यू सैन स्कूल की choice भरेंगे, लेकिन 8वें में वो बोलेंगे भाई हम भी थक गए आप भी थक गए, अभी एक कोई choice भर दो, अगले 15 दिन में उसमें अगर सीट खाली मिल गई वो बुला लेंगे, और हर एक स्कूल में ये सारा एडमिशन जो है मेरिट के आधार पर होगा, ऐसे करके 1 2 3 4 5। अब आपका बच्चा यहां था, किसी एक स्कूल से 3 लोग पहले 2 लोग चले गए, आपके बच्चे का नंबर आ जाएगा, तो 8th round में चलेगा, तब तक सितंबर में तो हाफ ईयरली का टाइम आ जाता है। तो आप अपने बच्चे को बिल्कुल पढ़ाई से हटाए नहीं, ये नहीं कि 245 नंबर आगे 13 सैन स्कूल में हो ही जाएगा, क्या पता आपका बच्चा वो मिट्टी का शेर निकले, वो ही जाके ज्वाइन करके वापस आ जाए, फिर क्या करिए। इसलिए अभी बच्चे की साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग करने का टाइम है। मेरे पास अभी 1 महीने का समर कैंप में लोग रह के गए, उनको हमने बिल्कुल मोटी चबड़ी का बना के भेजा, ऐसे बिल्कुल गैंडा बना के भेजा। तो ये आपने सारी कार्रवाइयां करनी है। सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग बहुत देर तक चलने वाला प्रोसेस है, ये आपकी भी पेशेंस का टेस्ट है, हमारा तो है ही, हम तो वीडियो बना बना के थके, लेकिन फिर भी पेरेंट्स सही डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि डिसीजन बहुत सारी चीजें जो आप जानते नहीं है उस पर आधारित। अब कल एक भाई साहब ने इतना लंबा मैसेज लिखा कि RMS बेंगलोर का हमने आपके बच्चे को डाल दिया, लेकिन अब जब मैं बात कर रहा हूँ पेरेंट्स से तो उनका फीडबैक ठीक है, जबकि मेरे से पूछेंगे तो RMS बेंगलोर top 2 RMS में और top 10 सैनिक स्कूल के बराबर है वो। तो बच्चे जो हैं अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, मोबाइल फोन एडिक्शन है, टेलीविजन एडिक्शन है, आपका जो जंक फूड है उसका एडिक्शन है, सभी चीज का एडिक्शन है, फिजिकल ट्रेनिंग बच्चा करके ही राजी है। तो बच्चा जब सैनिक स्कूल जाएगा सबसे पहले उसने फीडबैक देने यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई हो रही है वहां पर, लेकिन भाई साहब सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक जब बच्चे की रगड़ाई होगी तो उसकी हाय तौबा वाली स्थिति 15 दिन के अंदर पैदा हो जाती है। मैं इंडिया जब गया 6 महीने हम भी तकिए में सर दबा के रोते थे और रोज भागने का प्लान बनाते थे, ये तो बहुत छोटे हैं। ये जो कटु सत्य हैं जीवन के, ये पेरेंट्स इससे बचते रहते हैं, फिर बोलेंगे अरे वो साइंस स्कूल अच्छा नहीं है, साइंस स्कूल ठीक काम कर रहे हैं। अभी एक पेरेंट्स आए मेरे पास ऑफिस में मिलने के लिए, उनको मैंने बताया कि नेवी चीफ और जो आर्मी चीफ है दोनों साइंस स्कूल रीवा के क्लासमेट्स हैं, मतलब साइंस स्कूल से पढ़ गए। IMS से जो
इस बारी सोड ऑफ ऑनर जिस जेंटलमैन कैडेट ने लिया, यंग ऑफिसर ने लिया, वो मिलिट्री स्कूल धौलपुर के हैं। एनडीए से जिसको गोल्ड मेडल मिला वो सैनिक स्कूल सतारा का। तो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएनसी वाले ये टॉप 25 में रहते हैं। बाकी हम जैसे आम आदमी वो बेचारे 40-50 नंबर की मेरिट पे घूम रहे हैं। गोल्ड मेडल वाले एक आधा कोई मिलता है, लेकिन इनके चांसेस बहुत ज्यादा। पढ़ाई पर अगर अभी वाले स्कूल में 70% पढ़ाई हो रही है, सैनिक स्कूल में आपको क्वोशेंट अभी 45% मिलेगा। कारण अभी उनकी थोड़ी रगड़ाई होगी, दौड़ाया जाएगा, गेम खिलाया जाएगा, बड़ा सारा कुछ है। बैंड है, ड्राइंग है, फोटोग्राफी है, एंगलिंग है, विजिट्स हैं। एक बारी बच्चा वहां 3 महीने टिक गया फिर उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन 3 महीने का समय क्रूशल समय है। और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, आप एग्जाम दिलाइए, बच्चे को क्लियर करने मत भेजिए। किसी ने नहीं लिखा, मैं तो केवी से चला गया एनडीए, लोग जा रहे हैं, 150 से 200 लोग दूसरे स्कूलों से आते थे एनडीए। लेकिन सैनिक स्कूल का जो आपको फायदा मिलेगा, 9 to 12th मिलेगा, जब आपके शेर 12th में तो गर्लफ्रेंड भी आ जाती, 9th में भाई साहब के मोबाइल फोन आ गया और मोबाइल फोन ही गर्लफ्रेंड लेके आ जाएगा। फिर आपको लगेगी चिंता कि भाई साहब ये तो सारा हमारा बेटा हाथ से निकल, फिर बेटे को वापस हाथ में लाने का कोई तरीका नहीं। सैनिक स्कूल में ठीक है, और एनडीए के सिलेक्शन रेट से आप सैनिक स्कूल की रेटिंग ना करें। मेरे दो साले साहब हैं, दोनों सैनिक स्कूल के हैं, एक एनडीए चले गए, दूसरे ओटीए चले गए। सैनिक स्कूल से निकलने के 4 साल बाद, 5 साल बाद उन्होंने फौज ज्वाइन करी। लेकिन मैं इनका फौज में जाना सैनिक स्कूल को एट्रीब्यूट करूंगा, वो इतने बढ़िया अधिकारी हैं, वो सारे गेम खेलते हैं, फिजिकल फिट रहते हैं, बिल्कुल नाक की सीध पे चलते हैं, कोई सारा पंगा नहीं है लाइफ में किसी। ये सब चीजें सैनिक स्कूल आपको दे रहा है, कुछ ले भी रहा है। तो ये एक फेयर सिस्टम है, गिव एंड टेक वाला सिस्टम है, आपने सोच समझ कर डिसीजन लेना है। मेरे कहने से ज्यादा प्रभावित नहीं हो जाना, अपनी अकल का इस्तेमाल करें, दूसरा फीडबैक ले। अगर आपको नहीं एनकरेजिंग लग रहा मत भेजो, दिस इज नॉट एंड ऑफ लाइफ। हर वीडियो में मैं कहता हूं ये जीवन का अंत नहीं है, बहुत आगे जीवन बहुत लंबा। तो ये जो चीजें हैं 23 सितंबर तक आपका चलेगा। ये जो चार्ट है पहले सैनिक स्कूल सोसाइटी की वेबसाइट पर था, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, अभी उन्होंने हटा लिया। लेकिन ये चार्ट आप पाना चाहते हैं, इसको हम गूगल ड्राइव में डालकर इसका लिंक इस वीडियो के साथ में डाल देंगे, आप अपने आप देखें, इसके साथ खेलें, आपको टाइम पता लग सकता है। अब कई हैं, हमने सैनिक स्कूल एक्सेप्ट कर लिया, अब हम नहीं ज्वाइन कर रहे, क्या हम वापस ही काउंसलिंग में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। कुछ हैं, हमने सतारा चुना था, उसको रिकंसिडर कर दिया, आप क्या वापस सतारा चुन सकते हैं? मैंने सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल साहब से बात करा, उन्होंने कहा सर वापस चुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने न्यू सैनिक स्कूल नहीं भरा था, क्या हम न्यू सैनिक स्कूल चूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमने सैनिक स्कूल और एनएसएस भरा था और एनएसएस मिल गया, क्या हम सैनिक स्कूल जा सकते हैं? नहीं जा सकते। हमने सैनिक स्कूल भरा और एनएसएस भरा, हमने सैनिक स्कूल ज्वाइन करा, क्या अब हम एनएसएस जा सकते हैं? नहीं जा सकते। हमने एक सैनिक स्कूल भरा, उसको एक्सेप्ट कर लिया, बच्चे का एडमिशन करा दिया, अब हम दूसरे सैनिक स्कूल भेजना चाहते हैं। एक मेरा वीडियो है सैनिक स्कूल में ट्रांसफर कैसे होता है, केवल 7th क्लास में होता है, मतलब 9th में अगर आपका बच्चा जा रहा है उसका सैनिक स्कूल बदली हो ही नहीं सकता। 7th वाले का बहुत ही विशेष परिस्थितियों में ट्रांसफर हो सकता है एक सैनिक स्कूल से दूसरे सैनिक स्कूल, वो आप 7th में ही कर सकते हैं, 1 साल तो भाई साहब ये नहीं। आप कुछ कहते हैं हमारे बच्चे का बिहार के इस न्यू सैनिक स्कूल में हो गया, मैंने हाथ जोड़ दे दो, मेरे को उसका कुछ भी पता नहीं है। आप जब वहां पेरेंट्स वहां जा रहे हैं मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और बताइए वो स्कूल कैसा है, ताकि हम अपना जो डेटाबेस है उसको अपग्रेड करें, और बाकी पेरेंट्स को आपका दिया हुआ जो ये ज्ञान है जब आपका उन तक पहुंचेगा, उनकी जो दुआएं निकलेंगी वो स्वर्ग में विंडो सीट आपके लिए पक्की करने में सहायक होंगी। अच्छे काम से बचना नहीं है। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। पूरा ई काउंसलिंग का प्रोसेस जितना कॉम्प्लिकेटेड गवर्नमेंट कर सकती थी उन्होंने कर दिया है, जितना सिंप्लीफाई हमने कर सकते हैं हम कर सकते हैं हमने कर दिया है। अभी भी बहुत सारी आपकी सवाल होते हैं, व्हाट्सएप मैसेज दिए, व्हाट्सएप पे लोग मेरे को हाई लिख के भेजते हैं, हाई मत लिखे ना, मुझे समझ नहीं आता क्या है, मैं लिखता हूँ प्लीज मैसेज जो करी, तो एक आप मेरे को एक्स्ट्रा काम करा रहे, आप सीधा लिखिए। कई लोग हैं, एक मैडम है उन्होंने 13 वॉइस नोट इकट्ठे भेजे हैं, मेरी शादी को 27 साल हो गए, इतने वॉइस नोट मेरी पत्नी ने मेरे को भेजे, उनके सारे डाउट सारे लिख दीजिए। और या लिख दो कि भाई ये हमारी वो है कर्नल अमरजीत से बात करनी ही करनी है, दिन में 10-12 कॉल मैं पक्का करता हूँ। कई पेरेंट्स हैं जिनके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वो होते हैं, उनको हम कॉल करके पक्का बताते, तो आप पक्का आपके सवालों के हम जवाब देने की यथासंभव प्रयत्न करते हैं। हम में भी कमी है, हम परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट तो दुनिया में कोई भी नहीं है, लेकिन हम कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं अपने को इम्प्रूव करें।
दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। मैंने अपना प्रमोशनल पहले ही बता दिया, 1 जुलाई से हमारे ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। हमारी कंपनी हमें आपको पसंद है, सबसे पहले ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर बड़ा ज्ञान चलता रहा, ज्ञान की गंगा है अनवरत बहती रहती। एक आपको फायदा हो जाएगा, दूसरा जब आप बोर हो रहे होंगे बाकी जगह अमरदीप जी का कोई वीडियो देख लो, थोड़ा बहुत आपको एंटरटेनमेंट मिल जाएगा। तीसरा, समय समय पर जो अपडेट्स आते हैं उनका बिना लाग लपेट के क्रिटिकल एनालिसिस करके मैं आपके सामने लेके आता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे इस थोड़े से प्रयास से अगर किसी 10 पेरेंट्स का भी फायदा हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। गेट इन टच विद अस। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।